अस्सलाम वालेकुम। तो वापसी का सफ़र शुरू कर दिए और हम पहुंचने वाले हैं। यार वैसे तो मैं शुरू शुरू में बहुत डर रहा था, जो सच बात है, लेकिन अभी बहुत मज़ा आ रहा है और इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त है यार। ये देखें ये इस तरह ये लोग हिलाते हैं। और ये देखें, ये पूरा एक दरख्त है, दरख्त से इन्होंने बनाया। ये कारीगर कराची में ये लोग, इन्होंने वक्त गुजारा है ना, तो कराची से कुछ सीख के कराची का टैलेंट यहाँ पे आजमा रहा है। और ये घर आने वाला है। और ये देखें आप पहाड़ों के नज़ारे। और ज़्यादा ये मस्जिद है जो हमने आपको दूर से दिखाई थी ना, ये बराबर में मस्जिद है। और ये हमारे जो खालाजाद भाई है, इन्होंने ये प्राइवेट टाइटेनिक इसलिए किस लिए रखा हुआ है, ताकि अब असल में गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि भाई खुदा रहा पेट्रोल और डीजल सस्ता करो जी, ताकि लोगों को ऐसे रिस्क उठाना ना पड़े। ये तो यार आप लोग बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं, अपने मस्जिद के लिए रखी हुई है ना। हाँ तो अब मस्जिद और हमारे घर के दरमियान जो है ये वो पानी है, तकरीबन अच्छा खासा पानी है, 10 मिनट लगते है इसमें। सही, तो इसीलिए हमने ये चीज़ बनाई है ना, छोटी टाइटेनिक ताकि इसमें आने जाने में हमें आसानी हो। रास्ता है तो आप अगर आप दिखा सको तो, रास्ता थोड़ा ऊंचा भी है, ऊपर भी है। और ये देखें, ये सामने इनका घर है। और अगर ये लोग पैदल आए तो फिर यूं करके इस पहाड़ों में ये आपको रास्ता शायद आपको नज़र आ रहा होगा। और ज़्यादा तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, अगर मैंने बिल्कुल ओपन यानी कैमरे की तरफ देखा। और मैंने ये देखें आप, ये मस्जिद की तरफ आ गई है। ये सामने वाली मस्जिद है, इसमें हम बैलेंस आउट नहीं कर सकते क्योंकि ख़तरा है। और ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि पानी भी गहरा है यहाँ पे। और इस वक्त हम एक कामयाब ऑपरेशन से होके आ रहे हैं, एक भरपूर ऑपरेशन से। और ये ऑपरेशन क्या था, पानी का कूलर था, पानी भरने गए थे। और बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, तो उम्मीद है ख़ास करके शरीफ भाई और हमारे जो मदाखिल कबीले से, उनको ये वीडियो, बल्कि हमारे इंडियन फैन और दीगर मुमालिक के फ़ैन भी हैं, उनको भी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें भाई, और चैनल पे नए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अबे आराम से भाई, आराम से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर ज़िंदा रहे तो।